प्रीमियर पे आते ही सलमान खान के सामने अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान और जिया शंकर जो है आपस में भिड़ चुके हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार इनके भिड़ने का कारण क्या है और फुकरा इंसान ने यानी कि अभिषेक ने जिया शंकर को जिस तरीके से जवाब दिया है क्या वो आपकी नजर में सही है या गलत है, पूरी अपडेट जानने के बाद जरूर बताइए मुझे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहले जिया शंकर आई, जिया शंकर की एंट्री हुई, जिया शंकर ने डांस किया, सलमान खान के साथ थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग की, काफी जॉली अंदाज जो है जिया शंकर का नजर आ रहा है। वहीं पर फुकरा इंसान को बुलाया गया, जहां पर वो आए, आने के बाद जो है काफी ज्यादा एनर्जी से, काफी लंबे चौड़े हैं, काफी एनर्जी जो है उनकी दिखाई दी है वहां पर। तो वहीं पर सलमान खान काफी सारी बातें कर रहे थे कि फुकरा इंसान क्यों नाम रखा, क्या है ये है वो है। तो वहीं पर जो है जिया शंकर के बारे में पूछा कि अभिषेक तुम बताओ कि जिया कैसी लगी तुम्हें, तो जहां पर उन्होंने बोला कि जिया सुंदर है, खूबसूरत है, खूबसूरती का कुछ बात चल रही थी, खूबसूरत है। वहीं पर जिया को पूछा तो जिया ने भी काफी अच्छे से जवाब दिया। फिर बातों बातों में जो है एक और बात हुई कि आप मतलब कि इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर फुकरा इंसान ने ये बात बोल दी कि पहले जब जिया से पूछा गया तब जिया ने बोला कि मुझे फुकरा इंसान लग रहा है क्योंकि वो फुकरा है इस तरीके से। तो वहीं पर शायद फुकरा इंसान को अपना ये नाम सुन के जो है अच्छा नहीं लगा, तो वहां पर उन्होंने ये बात बोल दी जिया को ऑन स्टेज पैनल के सामने सलमान खान के सामने कि मेरे को अच्छी नहीं लगी मुझे, वाकई में अभी मैं सुंदरता की लाइन से इसको साइड कर देता हूं, मुझे नहीं अच्छी लगी। जिसके बाद जो है जिया को बहुत ज्यादा बुरा लगा, फुकरा इंसान जो है काफी रूड अंदाज में बोलते रहे, वहीं पर पैनल जो है ये बात बोलते रहे तुम्हें बहुत हवा भरी हुई है, फालतू की हवा भरी हुई है। जहां पर फुकरा इंसान ने जो है अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन की पर काफी सारा ऐसा माहौल गरम गरम बना दिया, जहां पर लोगों को ऐसा लगा कि भाई फुकरा इंसान जो है वो एक्चुअली में सच में फुकरा है। पर देखेंगे कि आखिरकार घर के अंदर जाके होता क्या है, कितनी करेंसी उनको मिली है, कौन सा रैंक जनता ने उनको दिया है, क्या घर के अंदर जाके बेड एक साथ लिया है, कितने पैसे खर्च किए हैं, आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।